जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में अलौकिक शक्तियां विचरण करती है जो हर समय हमारे पर्यावरण में विद्यमान रहती है। समस्त ब्रह्मांडीय शक्ति तथा अलौकिक शक्तियां ओम मंत्र के अंदर विराजमान रहती है। ओम तीन अक्षर के संयोग से बना है, आ उ मा। ओम जो ईश्वर के तीनों स्वरूपों का वर्णन करते हुए सृष्टि के रचनाकार ब्रह्म माने गए हैं, पालनहार विष्णु माने गए हैं और संहारकर्ता शिव माने गए हैं। इन्हीं तीनों महाशक्तियों में ओम का वास है, यानी ओम में ही ये तीनों शक्तियां विराजमान है, जिसमें तीनों देवता की अलौकिक शक्तियां विद्यमान रहती है। ईश्वर निराकार है और उसका प्रतीक ओमकार है। ओम शब्द माना जाता है, ओम को ही प्रथम ध्वनि माना गया है, क्योंकि इस सृष्टि में भौतिक संरचना से पहले केवल ओम ध्वनि ही थी और इसे ब्रह्मांड की आवाज कहा जाता है। हमारे शास्त्रों की माने तो इस एक शब्द के जप मात्र से मनुष्य की समस्त समस्याओं का समाधान होने लगता है। इसकी शक्ति से व्यक्ति आध्यात्म से जुड़ जाता है, जिसे समस्त भौतिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस ओम मंत्र ध्वनि में अलौकिक शक्तियां हैं। कुछ लोग अपनी मनोकामना पूर्ण हेतु इस ओम का जाप करते हैं तो कुछ लोग आत्मीय शांति के लिए इस मंत्र का जाप करते हैं। आइए जानते हैं ओम मंत्र के रहस्य कौन से हैं। ओम मंत्र का रहस्य कौन सा है? उच्चारण करने से फायदे, लाभ, महत्व तथा चमत्कार। दोस्तों, ओम को पवित्र ध्वनि ही नहीं बल्कि अनंत शक्ति भी कहा जाता है, इसलिए वैदिक व लौकिक मंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। ओम के बिना सृष्टि की संरचना या रचना करना ही नहीं की जा सकती, इसलिए ओम ध्वनि किसी न किसी रूप में हमारी संस्कृति, सभ्यता और प्रकृति का हिस्सा बना हुआ है। ओम ध्वनि की महत्व तथा महात्म की अगर बात करें तो कंठोपनिषद में ओमकार की महिमा का वर्णन करते हुए धर्मराज नचिकेता से कहते हैं, सर्वे वेदा यत पद्मामनन्ति तपसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदि चन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदसंग्रहेण ब्रविम्योमित्येत। अर्थात नचिकेता, संपूर्ण वेद जिस पद को कहते हैं, संपूर्ण तप के फल का जिसकी उपासना के फल में अंतर्भाव है, जिसकी इच्छा से ब्रह्मचर्य तथा ब्रह्मचारी का पालन करते हैं, यह वह ओम है। यही कारण है कि सभी कर्मों में आरंभ में इसका प्रयोग बताया गया है। इस ओमकार के ऋषि ब्रह्मा और गायत्री छंद है। गीता में भी इसका ओम ध्वनि का महत्व बताया गया, क्या कहे? ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मं व्याहरन् मां मनुस्मरन् यः प्रयाति तदं देहं स याति परमां गतिम्। अर्थात जो पुरुष ओम ऐसे एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता है और उसके अर्थ स्वरूप परमात्मा का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। ओम अर्थात प्रणम की संरचना आ उ मा जो हमने ऊपर भी बताया, तीनों वर्णों में विचलित है। प्रणम का लेखन है ऊर्ध्वशुंड, मध्यशुंड और अधःशुंड के रूप में चंद्रकला एवं बिंदु के योग में पूर्ण होता है। ये तीनों शुंड रूप प्रमुख भाग ही सोम, सूर्य और अग्नि रूपी तीनों पाश ओम में विराजमान है। जिस व्यक्ति के अंदर यह ओम विराजमान हो जाता है, उसकी ख्याति और प्रशंसा चारों दिशाओं में फैल जाती है, उसकी कांति दे दिव्यमान होती है, उसका अंदर स्वतः ही अग्नि तथा सूर्य का प्रकाश विद्यमान होता है। सोम सूर्याग्नि कहा गया, सोम सूर्याग्नि रूपास्तु तिस्त्रो मात्र प्रतिष्ठिता प्रणवे स्थूल रूपेणा याविर्विश्वम व्यवस्थितम्।
तंत्र शास्त्र में भी ओम के महत्व का वर्णन कहा गया। सोम की 136, सूर्य की 116, अग्नि की 108 मात्राएं होती है। इनका योग ही 360 बनता है। ये एक वर्ष के दिवसों का बोध कराती है। ओमकार को सारे मंत्रों का सेतु बताया गया है, क्योंकि ओम का मंत्र जो है वो हर मंत्र से पहले लगाया जाता है, क्योंकि इसे संपुट भी माना जाता है। मंत्राणाम प्रणवस्तु, इसलिए मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मंत्र का ओम के साथ उच्चारण किया जाता है। अब बात करें हैं सिख धर्म की, तो सिख संप्रदाय में भी ओमकार का ईश्वर का प्रतीक माना गया है। ओम को महत्व दिया गया है सिख धर्म में। क्या है? गुरु नानक देव ने सिख धर्म का जो मूल मंत्र बनाया था उसमें वे कहते हैं, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भवु निर्वैरु अकाल मूरति अजून सैभम गुरु प्रसाद। इसका अर्थ है, वह परमेश्वर एक है जिसका सत्य नाम ओंकार है, अथवा ओंकार ही सतनाम ईश्वर का है। वह सृष्टिकर्ता तीनों कालों में भूत भविष्य वर्तमान अपने आप होने वाला भय रहित और वैर रहित जो अजन्मा और अमर है, उसकी उपलब्धि गुरु की कृपा से ही संभव है। सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप को व्यक्त करने के साथ नाद ब्रह्म का भी सूचक है। भारतीय मनुष्यों ने मान्यता के अनुसार समस्त सृष्टि इसी नाद, इसी धुन, इसी में समाहित है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन ने भी इस एक संभावना के रूप में स्वीकार किया है। इसीलिए ओम मंत्र जो है वो संपूर्ण मंत्रों का गुरु माना जाता है, और इस मंत्र के अंदर अलौकिक शक्तियां विद्यमान है। अब जानते हैं ओम मंत्र ध्वनि उच्चारण से हमें क्या लाभ होता है। सीक्रेट ऑफ बेनिफिट ऑफ ओम मंत्र। पहला है, ओम मंत्र के उच्चारण से शरीर में कंपन शुरू होता है, जिससे रीढ़ की हड्डी प्रभावित होती है और उसके दिव्य बल व शक्ति मिलती है, उसे तेज मिलता है। दूसरा है, ओम मंत्र ध्वनि को बीज मंत्र भी कहा जाता है। बीज मंत्र वह शक्ति है जिससे हर मंत्रों की शुरुआत होती है। तीसरा है, ओम मंत्र ध्वनि का नित्य ध्यान करने से या सोचने या स्मरण मात्र करने से हमारे मन को ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियों के साथ विचरण कराती है और हमारा आत्मज्ञान मजबूत होता है। चौथा है, ओम मंत्र ध्वनि का उच्चारण स्वास्थ्य वर्धक तथा आरोग्य वर्धक माना जाता है। पांचवा है, ओम मंत्र ध्वनि के उच्चारण से हम पर्यावरण से ही सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, चाहे हवा हो, पानी हो, भोजन हो, गर्मी हो या कोई भी स्पर्शता हो। छठा है, ओम मंत्र ध्वनि के उच्चारण से घबराहट कमजोरी दूर होती है और दुनिया के हर वह वस्तु पर यकीन होने लगता है जिसमें हमें संशय होता है। छठा है, ओम मंत्र ध्वनि के उच्चारण से ही कई रोगों से बचा जा सकता है, जैसे थायराइड, शुगर, रक्त संबंधी विकार, मानसिक तनाव व अन्य विकार। सातवां है, ओम मंत्र ध्वनि के उच्चारण से मन की पवित्रता, ताजगी, तंदुरुस्त, ऊर्जावान और उत्साही बना जा सकता है और अपने अंदर के आलस्य को दूर किया जा सकता है। आठवां है, ओम मंत्र ध्वनि के उच्चारण से ही व्यक्ति की श्वसन तंत्र क्रिया, थकान, बेचैनी तथा मानसिक तनाव पर काबू पा सकता है। नवां है, ओम मंत्र ध्वनि के उच्चारण से व्यक्ति के मस्तिष्क के अंदर एकाग्रता बढ़ती है, जिससे सुसुप्त अवस्था में गया हुआ ज्ञान जागृत अवस्था में आ जाता है। दसवां है, इस मंत्र ध्वनि के प्रभाव से ही व्यक्ति का ब्लड सर्कुलेशन नियंत्रित होता है, जो रोगों से लड़ने में क्षमता बढ़ाता है। ग्यारहवां है, ओम मंत्र ध्वनि का उच्चारण अगर व्यक्ति पूरी तन्मयता के साथ करे, उसके शरीर में स्पंदन यानी झंझनाहट होने लगता है, जिससे उसके रोम छिद्र खुल जाते हैं और उसके सभी कष्ट
उन रूम छिद्रों के माध्यम से बाहर आ जाते हैं। 12वां है ओम मंत्र ध्वनि में मां वर्ण का लंबा उच्चारण शरीर के आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, पीड़ानाशक उत्पादन का काम करता है जो सभी कष्टों का निवारण करता है। 13वां उपाय है ओम मंत्र ध्वनि के नित्य उच्चारण से हम अपने मन इच्छाओं पर काबू पा सकते हैं, इस संसार में भटकते हुए मन को स्थिरता दे सकते हैं। ओम मंत्र 14 है ओम मंत्र ध्वनि के उच्चारण से बुद्धि धैर्य पराक्रम सामाजिक समरसता मेल जोल सद्भाव सहचार परोपकार तत्परता को बढ़ावा देती है। 17वां है ओम मंत्र ध्वनि के प्रभाव से स्व आत्मीय ज्ञान में वृद्धि होती है और वृद्धि अपने आप को जानने लगता है, स्वयं को जानने लगता है कि उसकी वास्तविकता क्या है, संसार में आने का उसका ध्येय क्या है। 18वां और आखिरी मंत्र है उपाय है ओम मंत्र ध्वनि से घर परिवार आत्मा शरीर में चारों तरफ सकारात्मकता का भाव रहता है, नकारात्मकता स्वतः ही दूर हो जाती है, बुद्धि में अच्छे संकेत आने के प्रभाव पड़ते हैं। तो ये ओम मंत्र का हमारे वेदों से शास्त्रों से लेकर के अनेकों जगह इसका व्याख्यान दिया गया है जहाँ इसको सर्वोपरि माना गया है। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भी वेद मंत्रों द्वारा इस ओम का उच्चारण करते हैं तो ये हमारे अंदर ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियों का समावेश करता है जिससे हमारे दिव्य चक्षु खुल जाते हैं और हमें अद्भुत संरचना का अलौकिक ज्ञान प्राप्त हो पाता है। कुल मिलाकर के यह मंत्र जो है हमें सद्बुद्धि और सत समृद्धि देने वाला एक महान मंत्र माना गया है। आप इस ओम का उच्चारण अवश्य करें। यह किसी धर्म या किसी समुदाय के लिए नहीं है बल्कि हर प्राणी के लिए है। ओम मंत्र कल्याणकारी है क्योंकि पूरे विश्व ने ओम मंत्र को माना है और उसको महत्व दिया है। ये भारत का ही नहीं अनेकों पूरे विश्व लोक के लोग इस पर निष्कर्ष कर रहे हैं और अनेकों जगह इसका कई लाभ प्राप्त हुए हैं। तो आज हमने ओम मंत्र का आपको छोटा सा संस्करण बताया, उसके उद्देश्य के बारे में बताया। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे।